हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो मैं कल रात को वीडियो नहीं बनाया था थर्सडे का, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ऐसा था कि आप लोगों को थोड़ा सही अपडेट देना था, इसलिए मैं ग्रुप में भी अपडेट किया हूँ जो जो फैक्टर्स हुआ है। तो कल आप देखे होंगे जिस तरह का सेल अप हुआ है मार्केट में, तो लगभग सेल अप कहाँ पे हुआ है ये वाला भी आप देख सकते हैं। मार्केट जैसे ही ऊपर गया, टॉप लेवल पे गया, उसी लेवल से ही सेल हुआ है। मतलब अभी क्या हो रहा है, बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन राइज पे मार्केट चल रहा है। मतलब मार्केट में मूवमेंट कुछ नहीं है और मार्केट में डाउनफॉल होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग बाय करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो सिंपली सा चीज़ ये कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इससे बड़ा फॉल भी आपको देखने को मिलेगा। कल जैसे कि आपको यूएसए मार्केट में देखने को मिला था, सब सोच रहे थे कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, 220-230 पॉइंट का ओपनिंग हुआ। इसके बाद मार्केट में इतना बड़ा सेल हुआ, आप देख सकते हैं लगभग 500-600 पॉइंट का सेल एक घंटे में आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह इंडियन मार्केट में भी आज हो सकता है आपको ट्रैप किया जा रहा है। आप थोड़ा सतर्क रह के काम कीजिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, अभी का ये सिचुएशन फिलहाल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो अभी देखेंगे जो इंडेक्स है, कल तो सब नेगेटिव में थे, आज थोड़ा सब ग्रीन दिख रहा है। जैसे कि यूएसए 30 आप देख सकते हैं और डाउ जोन देख सकते हैं, नैस्डैक देख सकते हैं, ये सब ग्रीन में दिख रहा है। इसका रीज़न एक ही स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट सेज दे विल पंप मोर ऑयल इफ रशियन आउटपुट फॉल्स। ओके, तो ये जो एक ही स्टेटमेंट था, इसके वजह से ऑयल प्राइस फॉल हुआ है। मतलब विदाउट एनी एक्शन थोड़ा सा आपको कुछ बोल दिया, तो इसके वजह से ऑयल प्राइस भी लगभग 1111.8 पे था, अभी फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं कि सऊदी कभी भी नहीं चाहेगी कि सऊदी कंट्रीज कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको कम प्राइस में तेल दे देंगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, वो डेफिनेटली प्रॉफिट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा राहत मिल सकता है। ये जो वार्डिंग है इसमें आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है। और यूएसए ऑल्सो ट्राइंग टू यूज़ देयर रिजर्व, जो रिजर्व पेट्रोलियम है इसको अभी निकालने के लिए सोच रहे हैं। तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आ रहा है, पर जो रियल इन्वेस्टर है, जो फेड है, लेकिन वो तो बेच रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इसके वजह से मार्केट में और भी बड़ा फॉल होने का चांसेस आगे है, तो आप इसमें थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला मार्केट का कंडीशन है। आज भी अगर मार्केट में थोड़ा गैप अप हो जाता है या कुछ ऊपर मार्केट चला जाता है, तो इसे आप मत सोचिए कि मार्केट में डाउनफॉल अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। मार्केट में डेफिनेटली डाउनफॉल होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूर का पी बाय करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रियल में अर्न करना चाहते हैं, थोड़ा आपका जो नज़दीक का एक्सपायरी इसका पी बाय मत कीजिए, थोड़ा दूर का एक्सपायरी बाय करके रखिए। और इन द रेंज ऑफ 16,300 to 16,500, ये रेंज का आपको स्ट्राइक प्राइस बाय करके रखना है। एटलीस्ट होल्ड फॉर 7 to 15 डेज, ये आपको डबल होते हुए दिखेगा। ये मेरा व्यू है, आप खुद का व्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज का जो निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है, इसको भी हम अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का जो कॉल क्लोजिंग हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है, पहला दिन का मतलब लास्ट का जो दो कैंडल का क्लोजिंग जो हुआ था यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कैंडल का क्लोजिंग पे मार्केट में क्या दिखा है यहाँ पे, ये जो दो तीन कैंडल रेड पे सॉरी ग्रीन पे क्लोज हो गया, तो मार्केट में न्यूज आ गया कि निफ्टी बुलिश हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बुलिश मूवमेंट कुछ नहीं है, ये सिंपल सा ट्रैप हुआ है कि जो लोग पी बाय करके बैठे हैं या सी बाय करके बैठे हैं, उन लोगों का प्रीमियम को डीके करने के लिए ये सब किया गया था। ठीक है, तो प्रीमियम डीके का प्रोसेस है, क्योंकि आज हमारा एक्सपायरी है, तो ये थोड़ा सा प्रीमियम डीके का प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं कि मार्केट एक कैंडल में मार्केट बुलिश हो गया। तो आज का कंडीशन में मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए, तो मार्केट अगर 16,430 के नीचे आ जाता है, ठीक है, 37 का अगर टिक जाता है, तो मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं बाउंस बैक में फिर से सेल करूँगा मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा अगर अपसाइड में मूवमेंट होता है। अगर निफ्टी 16,400 के नीचे आ जाते हैं, तो आपको फिर से 16,370-16,360 का रेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एसजीएक्स निफ्टी में भी 16,360 का लो लगाया था। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि डेफिनेटली मार्केट विल टच 16,350।
अगर ये पॉइंट में मार्केट अगर रुक जाता है आज का दिन में, तो आगे आने वाला दिन में आपको और भी बड़ा फल देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी हम लोग आपको पोजिशनल ट्रेड प्रोवाइड किए हैं और बोले थे कि ये डबल होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। तो अगर आप हम लोग का ऊपर भरोसा करते हैं और इसको होल्ड करके रखे हैं, तो डेफिनेटली कल तो लगभग डबल हो गया है, आज इससे भी और भी ज़्यादा कुछ आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कम से कम निफ्टी आज 16,450 या 60 का रेंज पे ओपन होना चाहिए, कम से कम मैं जैसे मेरा टारगेट के हिसाब से, ठीक है। बाकी और जो सब अच्छा कॉल मिलेगा, कुछ भी कंफर्मेशन मिलता है, कुछ भी न्यूज़ वगैरह मिलता है, तो हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। न्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, टेक्निकल न्यूज़ अगर कुछ अच्छा है, जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस या डॉलर इंडेक्स जो कि टेक्निकली मार्केट को अफेक्ट करेगा, तो उसी बेस्ट न्यूज़ को हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसे आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। और एज यूजल निफ्टी का लेवल आपको 7:38 बजे तक मिल जाएगा, तो आप हमारा लेवल के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।